बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जो कि कई मायनों में बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा और बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग रहा। साथ ही सभी जानते हैं कि ये सीजन का आखिरी हफ्ता चल रहा है और होगा तो मजेदार ही। तो आपको बता दें कि आज के एपिसोड में रजत शर्मा की एंट्री हुई और बहुत सारी मजेदार बातें हुई। इसके अलावा कटघरे में खड़े करके बहुत सारे सवाल जवाब हुए और बहुत ज्यादा मजेदार बात ये हुई कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई को एक बार फिर से मजेदार मस्ती करते हुए देखा गया। तो अगर आज का एपिसोड इस कदर ही इतना खास रहा है तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट। इसके बाद ही घर वाले अपनी डेली रूटीन में लग जाते हैं, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला किचन में काम करते हुए दिखते हैं। तो वहीं किचन एरिया के पास सारे घर वाले बैठे हुए यूं ही मस्ती बातें कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ रश्मि को चिढ़ाते हुए नजर आते हैं कि पता नहीं लास्ट वीक में आके रश्मि को क्या हुआ, चोरी नहीं कर रही है। और यहां पर वो कहते हैं कि चाय रखिए, चुरा के ले जाना। और साथ ही ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि रश्मि बड़ा काम करती है, सभी चीजों का ख्याल रखती है कि कौन सी चीज उठानी है, कौन सी चीजों को कहां छिपाना है। रश्मि कहती हुई दिखाई देती है कि तू बड़ा ख्याल रखता है मेरा, बड़ा ध्यान देता है मुझ पर। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि तुझ पे तो ध्यान होता है मेरा, और वैसे भी मैं तेरे को मौका दे रहा हूं, कोई नहीं देखेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं आंखें बंद कर रहा हूं, तीन के काउंट कर और ले जा चाय को। रश्मि नहीं उठाती और कहती है कि सिद्धार्थ तू ना बहुत ज्यादा कर रहा है, अब तू गया तेरी समान ही रहेगी। अब सिद्धार्थ कहते हैं कि क्या छुराएगी, अब कुछ तो बचा ही नहीं है मेरे पास। इसके बाद यूं ही इनका बातें चलती रहती हैं, लेकिन बाद में एंट्री होती है रजत शर्मा की, जहां पर वो अपने शो आपकी अदालत का एक फॉर्मेट यहां पर लेकर आते हैं और घर वालों को खड़ा कर देते हैं कटघरे में, जहां पर शुरुआत करते हैं वो रश्मि देसाई से। रश्मि देसाई से पूछते हुए नजर आते हैं कि अरहान खान को लेकर आपका क्या कहना है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। रश्मि ने कहा कि अभी मैं सिंगल हूँ और मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगी। सलमान सर ने जो कुछ भी बताया दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि एक इंसान को जिसे मैं जितना प्यार एक इंसान जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ, उसके बारे में ये सब चीजें मुझे बाहर से पता चलती है, उस वक्त पे मैं बहुत ज्यादा शॉक थी। तो इस पर रजत ने कहा कि शॉक थी तो फिर 48 घंटे के बाद तुमने उसे प्रपोज कैसे कर दिया। रश्मि ने कहा कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, उससे इतनी जल्दी अटैचमेंट खत्म थोड़ी होती है, मैं हमेशा उसका सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन जो चीजें मुझे पता ही नहीं थी क्योंकि उसने मुझे पता लगने दी ही नहीं, और आगे मैं इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगी। सिद्धार्थ को लेकर भी बात करती हुई नजर आएंगी कि हमारे बीच में था कुछ, हम दोस्त थे, कुछ पर्सनल चीजें जिनके बारे में यहाँ पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन रजत शर्मा उनसे फिर भी सवाल करते हुए नजर आते हैं। आजम रियाज को लेकर भी कहते हैं कि आपने अपनी बॉडी को तो खूब कंट्रोल से अच्छा बनाया है, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं। आजम ने कहा इस घर में लोगों को बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाया जाता है और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है और अक्सर करता हूँ। वही सिद्धार्थ के साथ उनकी दोस्ती को लेकर भी बात करते हुए नजर आएंगे। तो आजम ने कहा सिद्धार्थ के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके साथ दोस्ती में था तो हमेशा इसकी ही सुनी, अपने आप का पॉइंट तो मैंने कभी रखा ही नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है और गेम में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए मैंने दोस्ती खत्म कर दी। इसके अलावा उनसे ये भी कहा गया कि आप यहाँ पर सिंपैथी ग्रैब कर रहे हैं और हमेशा लड़ाई झगड़े को बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा रजत शर्मा ने पारस छाबड़ा से भी बातचीत की। पारस से कहा कि आप सिद्धार्थ के सामने हार गए क्या, क्योंकि सडनली आप गायब से हो गए हैं। तो पारस ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गायब होने वाली बात या फिर हार जाने वाली बात, सिद्धार्थ के साथ मेरी दोस्ती है और 3 महीनों में मैंने जितना एंटरटेन करना था मैं कर चुका और अब मेरे पास कुछ खास चीजें बची ही नहीं है। तो वहीं यहाँ पर रजत ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि आसिम और शेफाल की दोस्ती पर आपने बहुत बुरे कमेंट किए। इस पर पारस ने कहा कि मैं अपनी आंखों के सामने कुछ गलत देखूंगा तो मैं बोलूंगा जरूर। तो इस पर रजत ने कहा तो अपने और माहिरा के बारे में क्या कहेंगे, आप माहिरों के इतना हक करते हो वो क्या है, आपका अपना तो ठीक है बाकी दूसरों का देख नहीं सकते। इसके अलावा रजत ने ये भी कहा कि शहनाज को लेकर आपका कहना था कि वो आपके करीब आने की कोशिश कर रही थी तो आपने उन्हें अपने टैटूज दिखाए थे। तो पारस ने कहा कि फुशो मैंने दिखाए थे और ऐसा ही था। रजत ने कहा तो फिर आपने ये टैटूज माहिरा को क्यों नहीं दिखाए। तो पारस ने कहा कि माहिरा सेंसिबल है, समझदार है, वो चीजों को समझती है, लेकिन जो शहनाज है वो हमेशा से ऐसी रही है, बिल्कुल भी सेंसिबल बातें नहीं करती है, सेंसलेस पर्सन है। और इस तरीके से रजत शर्मा घर के बाकी सदस्यों का भी इंटरव्यू लेते हुए नजर आते हैं और घर वाले से पूछते हैं कुछ टेढ़े तीखे सवाल। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 136 की हाइलाइट्स। इसी तरीके से बिग बॉस के टेढ़े सीजन के हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स, सभी टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरों को यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।